घर की इस दिशा में रखे भगवान गणेश की मूर्ति, दूर होंगे सभी वास्तु दोष। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश सभी के कष्टों का निवारण करने वाले हैं। किसी भी नए और शुभ मंगलकार कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश की आराधना करना शुभ और फलदायी माना जाता है। वहीं वास्तु शास्त्र में विघ्नकर्ता को मुख्य स्थान प्राप्त है। वह वास्तु दोष को दूर कर घर में सुख समृद्धि और शांति भरे माहौल की स्थापना करते हैं। तो आज हम आपको भगवान श्री गणेश से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के मुख्य द्वार पर विघ्नहर्ता की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे कारोबार और व्यापार में तरक्की प्राप्त होगी। इसके साथ ही घर वालों के दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग भी खुल जाते हैं। वहीं घर के मुख्य द्वार पर आप आम, पीपल और नीम के पत्ते से बनी श्री गणेश की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। घर के प्रवेश द्वार से ही सही तरह से ऊर्जा प्रवेश करती है। इसके साथ वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। जिस घर में धन से जुड़ी परेशानी बनी रहती है और पैसा नहीं टिकता, तो ऐसे में उन्हें अपने घर में मेन गेट पर श्री गणेश की प्रतिमा लगानी चाहिए। तस्वीर में भगवान गणेश के आसपास सिंदूर लगा हो। इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि के नाम लिखे हों। अगर आपके पास ऐसी कोई तस्वीर ना हो तो आप खुद ही सिंदूर से इनकी पत्नी के नाम लिख सकते हैं। घर के पूजा श्री गणेश की मूर्ति बैठा कर आराम करती मुद्रा में मूर्ति या तस्वीर लगाएं। इससे घर परिवार का भगवान की कृपा बनी रहेगी। वस्तु के मुताबिक घर में गणेश जी की एक से अधिक मूर्तियां तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ऐसा आप जान लें, एक से अधिक मूर्ति और तस्वीर नहीं होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।